गुड मॉर्निंग, होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का दिन है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन की मॉर्निंग हमारी हो रही है बैंगलोर में। तो आपको पता होगा कि हम लोग ने स्टॉप लेने का सोचा था कि होसूर में लेंगे, बट थोड़ा सा और चला लिया हमने, क्योंकि होसूर में अच्छे होटल नहीं थे, और इसलिए हमने सोचा कि बैंगलोर आ जाते हैं। तो बैंगलोर में 8 माइल्स करके एक होटल हमको मिला है, और उसकी ये लॉबी देख सकते हो। तो होटल 8 माइल शूट करके है, और ये एंट्रेंस और आपको एक अच्छा बेड मिल जाता है, फिर ऊपर से स्पेशियस रूम है। और रात में वैसे बहुत स्ट्रगल हुआ हमको, ऑलमोस्ट 1 घंटा चला गया होटल फाइंड आउट करने में, और उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मस्त वॉशरूम है बड़ा। तो प्रॉब्लम हुआ ऐसे कि जो हम लोग वहाँ से आ रहे थे, तो है ना हमको सिटी के अंदर घुसना नहीं था, बिकॉज है ना सुबह सुबह निकलना है, तो ट्रैफिक में फंसना नहीं था। वो फ्राइडे यहाँ बैंगलोर की ट्रैफिक मैं जानता हूँ बहुत ही ख़तरनाक है, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा है ना आगे जाके बाईपास से थोड़ा कॉर्नर में एक जगह है वहाँ पे ले लेते हैं। तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एकदम ठरकी से होटल थे, और वहाँ पे मैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से रुका नहीं, बट मैं फिर वहाँ से 8 किलोमीटर्स वापस रिटर्न आया, और फिर सिटी के अंदर थोड़ा सा घुसा तो मेरे को अच्छे होटल मिल गए। तो उसमें एक होटल कुछ ऑर्चिड नाम का था, तो वो फुल था, तो इसके बाजू में ये 8 माइल्स करके था, तो ये हमने ले लिया। अभी सामान वामान सब लेके जाते हैं नीचे गाड़ी में और डालते हैं, और निकलते हैं यहाँ से मुंबई के लिए सीधा। तो गाइस अभी गाड़ी में तो बैठ गए, बट सीन ऐसा है कि जो लेफ्ट साइड का पीछे का टायर है उसका हवा कम है, और मुझे डाउट है कि कुछ पंचर हो सकता है उसमें, या फिर हवा कम हो गई हो। कल भी उसकी हवा कम हो रही थी, और हमने थोड़ा ज़्यादा ही भरी थी, बिकॉज थोड़ा बफर रह जाए, बट अभी यहाँ पे टायर वाला ही है सामने, वहाँ पे जाके देख के आते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ट्रैफिक, ये तो सिटी के आउटसाइड की ट्रैफिक है, विद हिलने ना वाली ट्रैफिक है, जगह पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए हम लोग आउटस्कर्ट पे रह रहे थे। गाइज अभी 70 किलोमीटर क्रॉस कर दिया आगे, और यहाँ पे ना एक्चुअली ये VRL का प्योर वेज करके आप देख रहे होंगे, मेरे को पता नहीं था VRL का खुद का भी रेस्टोरेंट है, और इनकी आपको पता रहेगा ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, लॉजिस्टिक सर्विसेज है, तो ये सारे जो ड्राइवर्स होते हैं या फिर उनके जो लोग होते हैं यहाँ पे यहीं पे आके खाना खाते हैं। फूड है ना बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है, और हमने इडली लिया। वैसे किचन क्लोज होने को आया था, 11 बजे के बाद क्लोज ही हो जाता है, और हम लोग 10 मिनट लेट आए। इडली लिया, मेंदुवड़ा था, मेंदुवड़ा लिया, फ्रेश जूसेस मिलता है, और कॉफ़ी तो बाप है, आप देख सकते हो। ये अभी यहाँ पे है ना रुके इसलिए बिकॉज टायर का थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को लग रहा था लेफ्ट वाले, तो वो गाड़ी अभी वहाँ पे खड़ी है। अगर सामने हमें कोई टायर पंक्चर वाला कोई मिलता है तो उसको जाके हम लोग पूछेंगे कि क्या कुछ दिक्कत है कि नहीं, और चेक भी करा लेंगे पूरा टायर। एक ऑलरेडी वैसे स्टेपनी में एक टायर पड़ा है नया वाला, तो उसको भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ से फटाफट कॉफ़ी पीते और निकलते हैं, बिकॉज रास्ते अच्छे हैं, और 1 घंटे 10 मिनट में है ना 100 किलोमीटर आराम से हो जाता है ऐसे रास्ते। गाइज अभी शेल के पेट्रोल पंप पे रुके हैं, और थोड़ा सा है ना वही लेफ्ट जो टायर है उसका थोड़ा सा इशू लग रहा है मुझे। तो ट्रिप के स्टार्ट में हमें डालना था, बट अभी डाल रहे हैं हम लोग शेल से अनलीडेड वाला। आपके इंजन के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो कभी कभी आप है ना महीने में एक बार या फिर 6 महीने में 3-4 बार डाल के है ना गाड़ी पूरी रेव करो, तो उसमें का ना पूरा जो कार्बन होता है या फिर जो भी इंजन के लिए अच्छा होता है वो, और बाकी कैसा है जो लीडेड वाला होता है उसमें कार्बन ज़्यादा निकलता है और उतनी पावर नहीं मिल पाती,
और यहाँ पे है ना रोड्स बहुत अच्छे हैं, 110, 120, 150 तक भी जा रही है गाड़ी आराम से, बिकॉज रोड पूरे लंबे लंबे रोड हैं। गाइस अभी MRF के इधर शोरूम में आए हम लोग और गाड़ी चेक कर रहे हैं टायर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेफ्ट वाला जो टायर है ये प्रॉब्लम दे रहा है थोड़ा, और इसमें हवा निकल रही है। अब कहाँ से निकल रही है, क्यों निकल रही है, ये अभी चेक करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पंचर हम लोग ने जो पिछली बार रिपेयर किया था उसी में प्रॉब्लम है ना भैया? इधर जा रहा है, उसी में प्रॉब्लम है। सही से नहीं किया ना। तो अभी यहाँ पे है ना ये पंचर फिक्स कर दिया है यहाँ पे डाल के अंदर, और थोड़ा होल बड़ा हो गया वो, अभी वापस इसमें हवा भर के चेक करेंगे कि प्रेशर अभी कैसा है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो पीछे है ना ये MRF का ही शोरूम है, और यहाँ पे एक्चुअली ये ना ये जो टायर है ये स्टेपनी का टायर है, और ये स्टेपनी का टायर अभी क्या करेंगे, जो मेन वाला मैग्नेट वाला है ना पीछे का है उसमें करेंगे। तो उसमें दो टायर दो पंक्चर पहले निकाले थे वेनाड में, तो वो पंक्चर फिर से पंक्चर हो गए जहाँ पे पंक्चर था, और तीन और निकले। तो ये क्या है कि पंक्चर करते करते है ना तो बहुत टाइम भी खा, इसलिए अभी क्या करेंगे फिलहाल ये जो मैग्नील है ना उसको ही चेंज, उसमें दूसरा नया वाला जो टायर है अपना स्टेपनी वाला वो डाल के फिर चलाएंगे इसको। तो गाइस अभी ये जो नया टायर है, नया टायर तो नहीं है स्टेपनी का टायर है, बट इसको लगा दिया बिकॉज वो पंक्चर बहुत ज्यादा थे, तो गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत होती थी। लंबा ट्रिप है इसलिए अभी भैया इसको भी चेक कर रहे हैं आराम से। तो अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, और अभी थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे, एक आध डेढ़ घंटे का हमारा इसी चक्कर में टाइम वेस्ट हो गया, नहीं तो अब तक तो धारवाड़ पहुँच जाते। रास्ता अच्छा है, अभी निकलते हैं यहाँ से, यही सेम रास्ता जाता है और हाईवे टच होता है। अभी हाईवे से थोड़ा अंदर आ गए थे, फिर यही से हाईवे वापस टच होगा और फिर वहाँ से आगे निकल लेंगे। किलोमीटर्स रिमेनिंग है मुंबई के लिए, घर के लिए, और सुबह से हम लोग ने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स अभी कंप्लीट कर दिए। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है धारवाड़ आएगा थोड़ी देर में और हुबली भी आएगा, उसके बाद हमारा प्लान चल रहा है कि कोल्हापुर ही रुके, क्योंकि कोल्हापुर से फिर हमें रास्ता पता है और आराम से हम लोग रात में भी ड्राइविंग कर सकते हैं, जो कि करनी नहीं है हमें, बट हम लोग खींच लेंगे पुणे तक, फिर वहाँ पर कॉल लेंगे रुकना है या नहीं रुकना है। अभी फिलहाल हम लोग ने टायर डलाया चित्रदुर्ग में, टायर मतलब चेंज किया, जो स्टेपनी वाला टायर था वो पीछे चेंज कर दिया, और वो टायर थोड़ा सा नया है इसलिए अभी ड्राइविंग में भी अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस और कंफर्ट आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है अभी फटाफट। और रास्ते भी इतने अच्छे कि आप ऑलमोस्ट एक घंटे में 100 किलोमीटर आराम से मार सकते हो, मतलब जो बैंगलोर हाईवे है जो बोलते हैं वो सही में अच्छा है। अभी देखते हैं सामने जाके ये लोग थोड़ा क्या कर रहे हैं पता नहीं, बट अभी फिलहाल मेरा जो रीडिंग बता रहा है ट्रिप पे, तो उसमें 3000 हमारा किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया ट्रिप का, और फिलहाल हम लोग चलागिरी के यहाँ पे हैं, तो ये समवेयर बिटवीन धारवाड़ और बैंगलोर है। तो अभी फिलहाल रास्ते आप सामने देख सकते हो कितने एकदम प्यारे रास्ते हैं, मतलब यहाँ पे गाड़ी पता ही नहीं चलती कि 100 पे है 120 पे है, और ऊपर से होंडा सिटी है तो रास्ते को एकदम चिपक के चलती है, और यार क्लाउड्स मतलब यही है जर्नी का मज़ा, यही है कि आप जो सीनरी है वो एंजॉय कर सको, फिर ड्राइविंग में तो हमें अच्छा लगता ही है और रिलैक्सेशन भी मिलता है।
अच्छा लग रहा है ड्राइविंग करके। धारवाड़ में आ गए और मिश्रा पेड़ा नहीं खाया तो क्या खाया फिर। अभी मिश्रा पेड़ा के बाजू में है और आप पीछे मेरे देख सकते हो मिश्रा पेड़ा है, पीछे पूरा हाईवे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि धारवाड़ में थोड़े रास्ते ज़रा मतलब सो है, समझ लो थोड़ा नैरो है। अच्छे रोड की क्वालिटी अच्छी है बट नैरो है, पहले जैसे मुझे एकदम हाईवे पूरा 6 लेन वाला मिला वैसा नहीं है यहाँ पर। मतलब ये IIT लगता है ना धारवाड़ IIT, उसके पास में हाई कोर्ट लगता है वो एरिया। पेड़ा देखता हूँ मैं यहाँ पे और कौन सा खा सकता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो पेड़, वाह वाह वाह। तो गाइज अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मिल्क केक है और ये करदंड मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद ये मैसूर पाक है भाई साहब, ये जो मतलब है ना मतलब खा के मुँह में घुल ही गया। ये देख सकते हो आप उसका टेक्स्चर तो देखो। कभी कभी क्या होता है पता है क्या, वो मैसूर पाक नाम पे है ना वो दूसरा कुछ दे देते और फिर वो अपना मुंह में है ना घुलने वाला आइटम नहीं होता वो। और ये देखो ये जो है इनका फेमस मिश्रा पेड़ा, और इसी के लिए हम लोग रुके थे। अब यहाँ पे पूरा भर भर के लिया है और चूड़ा भी लिया हमने, और यहाँ पे और चूड़ा आपको देखने मिलेगा, फिर और भी आइटम है इनके। और एक बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामने की तरफ आप देख सकते हो ना ये फैक्ट्री आउटलेट है इनका, और यहाँ के पीछे ना आधा किलोमीटर अंदर इनका फैक्ट्री है, वही से बन के यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, देख सकते हो आप मिश्रा पेड़ा का फैक्ट्री आउटलेट है। और लकीली हम लोग इसके सामने से जा रहे थे तो हम यहीं पे रुक गए और यहीं पे हम लोग ने फिर 2-3 आइटम खा भी लिए और ले भी लिए। अभी अगर आपको समोसे वमोसे चाहिए या फिर कचौरे विचौरे चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो ऐसा फ्रेश आइटम है, फैक्ट्री पे पीछे बन रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। तो जगह की जो ऑथेंटिसिटी है वो यहाँ पे है ना, मतलब धारवाड़ का अभी एक दिमाग में आ जाता है। एक तो मैं पंजुर्ली गया था, पंजुर्ली का जो खाना था वो बहुत सही अच्छा था, और यहाँ पे अब मिश्रा पेड़ा का खाया मैंने तो और भी अच्छा लगा। मतलब एक अभी धारवाड़ की एक मेमोरी बन गई है कि पेड़ा इधर आओ तो पेड़ा खाओ और पंजुर्ली ज़रूर जाओ। ऑन द वे हम लोग कोल्हापुर रुकने का प्लान है, कोल्हापुर में पाटलाचा वाड़ा करके है, वहाँ पर मटन थाली खाएंगे। और फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, अर्पित थोड़ा फ्रेश होने गए क्योंकि मैं सुबह से गाड़ी चला रहा था और फिर 1 घंटे पहले उसने चलाई और आधे घंटे में सो भी लिया, तो मुझे रास्ता थोड़ा पता नहीं था। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। पेट्रोल पंप पे रुके अभी और 101.99 मतलब 102 के आसपास पेट्रोल है यहाँ पे, यहाँ पे फुल टैंक करके लेंगे। और ये सामने की तरफ आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है पीछे। ऐसी ट्रैवलिंग का मज़ा यही है कि ये ना आपको ऐसा ब्यूटीफुल सा सनसेट देखने मिल रहा है। ये सामने की तरफ आप देख सकते हो पूरे रेज निकल रहे क्लाउड से, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, ये आँखों से देखने में तो और अच्छा लग रहा है। वैसे जस्टिस कर रहा है आईफोन इसके साथ। तो टायर्स भी अच्छे कंडीशन में दिख रहे हैं पीछे का, देखा जाए तो अभी ये जो पीछे का टायर है यही तो अभी डाला था, उसका कटक दिख रहा है नहीं ये। गाइज हम लोग पाटलाचा वाड़ा के इधर हूँ और सामने है ना आपको यहाँ पे तुलसी का एक पौधा मिल जाता है। और ये आर्टिफैक्ट देखो कितने क्लासिक है, ये है आर्टिफैक्ट। और दरवाज़ा एकदम मैसिव मिल जाता है पूरा एकदम वाड़ा स्टाइल में, बैठने के लिए एकदम राजशाही सोफा वेटिंग। और गणेश जी की मूर्ति, गणपति बप्पा मोरिया, और ऊपर झूमर तो देखो आप,
बहुत ही ज़बरदस्त इंडियन है। और यहाँ पे आपका रिसेप्शन है शायद से, ये रिसेप्शन है और ये क्लासिक एम्बियंस है। और एम्बियंस अगर आपको मैं दिखाऊँ तो एम्बियंस देखो, जो रूम्स है ऐसे रूम्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पर बैठने की सुविधा है पूरी, रिसेप्शन और सामने की तरफ आपका एक बार मिल जाता है और वहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है। एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा कड़क है, एम्बियंस कितनी भी बात करूँ मैं एम्बियंस की तो कमी है। तो यार ये थाली आ गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो सोल कड़ी है, फिर उसके बाद ये पांडा रसा, ये तांबड़ा रसा, ठीक है, मटन सूखा और फिर मटन ग्रेवी, मटन का अचार और ये मटन का खीमा, फिर ऊपर से ओनियन मिल जाता है और भाकरी मंगाई स्पेशली, राइस वो बाद में दे देते हैं। तो इसे खा के टेस्ट करते हैं, कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है आप देख सकते हो। सोल कड़ी, पांडरा तांबड़ा रस्सा, फिर मटन सूखा, टेक्सचर देखो इसका कितना खतरनाक है। और फिर ये भी देखो सब्जी, बस ये लोनचा तो मेरे को खाना ही खाना है, बिकॉज पिछली बार भी मैं खाया था, बहुत सही लगा। और एक खीमा। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो बहुत थका हुआ हूँ मैं, और बारी बारी से अर्पित और मैंने गाड़ी चलाई। सुबह के 10 बजे के निकले थे हम लोग और अभी रात में 3 बज गए ऑलमोस्ट और पहुँचे यहाँ पे थाने। तो नॉन स्टॉप आए बेंगलोर से और रुकने का प्लान था, बट तो सोचा रुक के क्या करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा कोल्हापुर में हम लोग ने ना 9 बजे खाना खाया और 9 बजे वहाँ से निकले हम लोग। यहाँ पे अभी शायद से 3:45 बजे हम लोग पहुँच गए। तो अभी सामान विमान सब निकाल रहे हैं गाड़ी से और मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, तो जैसे आप देख सकते हो, बट इसको क्लीनिंग के लिए लगाया हुआ था तो अभी इसमें सामान पूरा ट्रांसफ़र कर दिया, बट मैं घर नहीं जाऊँगा, अभी यहीं पे सो जाऊँगा और थोड़ा 8-9 घंटे की नींद लेके फिर निकलूँगा, बिकॉज कंटिन्यूस 10 बजे से लेके हम लोग 3 बजे तक गाड़ी चला रहे थे। सिर्फ 2-3 बार रुके, एक चित्रदुर्ग में वो टायर के लिए रुके और कोल्हापुर में खाने के लिए रुके। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने 3,743 किलोमीटर्स कवर कर लिए पूरे साउथ इंडिया रिटर्न के, और बहुत अच्छी ट्रिप रही। लास्ट का थोड़ा सा जो था वो ज़्यादा ट्रैवलिंग में चला गया, थोड़ा और स्टॉप लेते चित्रदुर्ग में, जैसे हम लोग ने टायर चेंज किया तो लगा कि वहाँ पे एक स्टॉप लेके रुक सकते थे, क्योंकि देखने लायक बहुत सी चीज़ें थी, बिकॉज वहाँ पे लेक दिखी हमें। फिर मुझे किसी ने बोला कि वहाँ पे एक फोर्ट भी है, वो भी आप देख सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम। और अभी जाते हैं ऊपर और सो जाते हैं। और कल से अब व्लॉग तो मैंने अभी तक डाले नहीं, बट कल से जो व्लॉग्स होंगे वो आएंगे जो 15 दिन के थे, और फिर वो बैकलॉग ख़त्म होने के बाद फिर मैं वापस शुरू करूँगा। तो गाड़ी को कहते हैं बाय, बिकॉज इसने बहुत साथ दिया है हमारा। जो टायर है वो अर्पित शायद से अभी नागपुर जा रहा है, तो वहाँ से आने के बाद उसको चेंज भी कर देगा। तो अभी ऊपर निकलते हैं, सामान निकाल लें और सोते हैं आराम से। आप भी सो जाइए और मस्त मज़े में रहिए, और वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए।